दुर्गम यात्राओं में शुमार। महादेव श्रीखंड यात्रा इस बार 14 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगी। इसको लेकर श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष के द्वारा की गई। इसको लेकर प्रशासन अब यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस साल की 2024 की श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए पूरे सभी ट्रस्टीज़ की मीटिंग बुलाई गई थी, साथ ही साथ ऑफिशियल मेंबर्स भी थे हमारे, और बड़ी विस्तृत चर्चा हुई जिसमें सभी ट्रस्टीज़ ने अपना ओपिनियन भी दिया। और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि 14 से 27 तारीख तक हमारी श्रीखंड महादेव यात्रा चलेगी और आधिकारिक तौर पर, और इसके लिए वेरियस अरेंजमेंट्स, चाहे सड़क की हो गई, सैनिटेशन की हो गई, हेल्थ की हो गई, सभी के अरेंजमेंट्स अपने सभी डिपार्टमेंट अपनी भरपूर भूमिका बनाएंगे और लगाएंगे। इसके साथ ही 5 सेक्टर ऑफिसर्स लगाए जाएंगे 5 लोकेशन के, और काफ़ी महत्वपूर्ण और यूजफुल आज चर्चा रही। मैं सभी ट्रस्टीज़ का भी धन्यवाद करूँगी इतने सकारात्मक चर्चा के लिए, और यही होप करूँगी कि बहुत बढ़िया तरीके से इस साल की यात्रा पूरी। मैम, गत वर्षों की भांति इस वर्ष किस प्रकार से विशेष इंतजाम किए गए यात्रा को सफल बनाने के लिए? जी, तो क्योंकि यात्रा एक पारंपरिक चीज़ है, तो कंटिन्यूटी के साथ साथ थोड़ा चेंज भी हमने किया है। जो चेंजेस हमने लोगों की फीडबैक के बेसिस पे किया है, जैसे कि हमने ये नोटिस किया है कि कई बार ऑफिसर्स सूटेबल नहीं मिलते जो ऊपर की उसमें रखे, तो हम कोशिश करेंगे ऐसे आइडेंटिफाई करने की यंग ऑफिसर्स जो रह सके। दूसरा, हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि जो मेडिकल चेकअप है, क्योंकि बहुत सारे यात्रियों की तबीयत बिगड़ जाती है, उसको स्ट्रिक्टली किया जाए। तीसरा, यात्रियों की इंफॉर्मेशन के लिए कि किस प्रकार से ट्रैकिंग की जाए, एडवाइजरीज इशू की जाएंगी, वो एक वीडियो एडवाइजरी भी बनाई जाएगी कि कैसे जूते आपको पहन के जाने हैं, किस चीज़ों के क्या सिम्टम आने पर आपको रुकने की ज़रूरत है या मेडिकल हेल्प सीख करने की ज़रूरत है। और साथ में इसके फ्लेक्सेस भी लगाए जाएंगे, PA सिस्टम का भी प्रयोग किया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के दौरान हम कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा श्रद्धालु जिसकी अगर तबीयत खराब होने की आशंका है, हम उनको समझाएं और